नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम। 500 से अधिक जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम। जीआईसी ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह, करीब 3 बजे जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। आज सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम। 500 से अधिक जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम। जीआईसी ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम। करीब 3 बजे जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। वहां सामूहिक विवाह में शामिल होंगे और साथ ही कई जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। 500 से अधिक जोड़े बताए जा रहे जिन्हें सीएम अपना आशीर्वाद देंगे। और साथ ही बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होंगे और 3 बजे जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर को मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारी है सीएम के आगमन पर? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके बता दें आपको कि अयोध्या में 3:30 बजे लगभग में सीएम योगी पहुंचेंगे और 3500 जोड़ों का आज विवाह होगा। सामूहिक विवाह है जो कि अयोध्या मंडल के जितने जिले आते हैं, 5-6 जिले हैं। अयोध्या है, बाराबंकी है, गोंडा है, सुल्तानपुर है, ये सारे जिलों से एक जीआईसी मैदान में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद ये वहां से निकलेंगे और बलरामपुर के लिए निकल जाएंगे जो कि शाम का इनका प्रोग्राम वहां पे है। और इसमें सबसे मुख्य बात तो ये है कि 126 जोड़े जो हैं वो मुस्लिम हैं जो कि वहां निकाह भी पढ़ेंगे। जी राघवेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे जो ये सामूहिक विवाह हो रहा है, इसका आयोजन कब से कराया जा रहा है और सीएम इसमें कब से शिरकत कर रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद श्रम मंत्रालय द्वारा एक ये कार्यक्रम चालू किया गया है जिसमें श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे और प्रभारी मंत्री है नीलकंठ तिवारी जी, वो भी मौजूद रहेंगे और अयोध्या जनपद के जनप्रतिनिधि जो है, सांसद है, विधायक है, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद रहेंगे। जी तो सीएम का आगमन का समय क्या है और कितने बजे वो प्रस्थान करेंगे? जी बिल्कुल, दोपहर बाद सीएम का आगमन है। 3:35 से जो है पुलिस लाइन में इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट सीधे जो है वो जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, वहां कार्यक्रम को समापन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 500 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे जिसमें कई मुस्लिम जोड़े भी हैं और ये सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आज शिरकत करेंगे। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर जाएंगे सीएम योगी। 27 नवंबर को गोंडा के दौरे पर होंगे सीएम योगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे और उसके बाद बलरामपुर दौरे पर रहेंगे, तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर में दर्शन करेंगे। 27 नवंबर को गोंडा के दौरे पर होंगे सीएम योगी। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर जाएंगे योगी। 27 नवंबर को गोंडा के दौरे पर रहेंगे योगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। सभी सह प्रभारियों को एक एक क्षेत्र का प्रभार दिया गया। बैठक में यूपी में क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। विजय संकल्प यात्रा निकलने को लेकर भी चर्चा। बीएल संतोष, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल बैठक में शामिल, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चुनाव की रणनीति तेज कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। सभी सह प्रभारियों को एक एक क्षेत्र का प्रभार दे दिया गया है और बैठक में यूपी में क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। विजय संकल्प यात्रा निकालने को लेकर भी चर्चा की गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल संतोष, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल बैठक में शामिल हुए। तो तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। सह प्रभारियों को एक एक क्षेत्र का प्रभार दे दिया गया है।
बैठक में यूपी में क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। प्रदेश कार्यालय पर भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत, कार्यक्रम में कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। प्रदेश कार्यालय पर भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत, कार्यक्रम में कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और आज लखनऊ में कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश कार्यालय में भूपेश बघेल पहुंचकर इसकी शुरुआत करेंगे और कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। प्रदेश कार्यालय पर भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत, कार्यक्रम में कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सभी पार्टियां अपने अपने दलों के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं और रणनीति तय कर रही हैं। वही कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस आज बड़ी बैठक करने वाली है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी चुनाव को देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और इस अभियान की शुरुआत प्रदेश कार्यालय पर भूपेश बघेल करेंगे। लखनऊ में होगा महारैली का आयोजन, बड़ी खबर, सावित्री बाई फुले की जयंती पर होगा आयोजन, महारैली में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। संविधान बचाओ महा आंदोलन चलाया जाएगा, तो बड़ी खबर सामने आ रही है, काशीराम स्मृति उपवन मैदान में होगी महारैली, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लखनऊ में ये महारैली का आयोजन किया जा रहा है, सपा की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है, सावित्री बाई फुले की जयंती पर होगा आयोजन, महारैली में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। संविधान बचाओ महा आंदोलन चलाया जाएगा, बड़ी खबर सामने आ रही है, काशीराम स्मृति उपवन मैदान में होगी महारैली, लखनऊ में होगी महारैली का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, सावित्री बाई फुले की जयंती पर होगा आयोजन, महारैली में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां संविधान बचाओ महा आंदोलन चलाया जाएगा और काशीराम स्मृति उपवन मैदान में इस महारैली का आयोजन किया जाएगा। तो लगातार सियासत गर्मा रही है, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अलग अलग तरह से कोशिश करी जा रही है, महारैली में शिरकत करेंगे अखिलेश और संविधान बचाओ महा आंदोलन भी चलाया जाएगा। काशीराम स्मृति उपवन मैदान में होगी महारैली, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमुख इमारतों में चलाया गया मॉक ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर, लोक भवन और पीडब्ल्यूडी में किया गया मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। हजरतगंज जाने वालों रास्तों को बंद किया गया, लखनऊ में दुरुस्त होगी सुरक्षा व्यवस्था, प्रमुख इमारतों में चलाया गया मॉक ड्रिल, लोक भवन और पीडब्ल्यूडी में किया गया मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। हजरतगंज जाने वाले रास्तों को बंद किया गया, लखनऊ में दुरुस्त होगी सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रमुख इमारतों में मॉक ड्रिल चलाया गया, लोक भवन और पीडब्ल्यूडी में भी मॉक ड्रिल चलाया गया, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।